अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमने बनाए हैं चिकन मोमो स्पेशल रेड चटनी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और अनहेल्दी भी होते हैं, बट सब खाते हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो आज हमने बनाए हैं मोमोज, और उनके लिए हमने सबसे पहले हमने आटा गूंदना है मैदे का। तो उसके लिए मैदा लिया है, जो भी क्वान्टिटी आपको गिवन है स्क्रीन पर। और इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था, हमने उसको पकाना होता है पहले मस्टर्ड ऑयल को, इसलिए थोड़ा जलता हुआ दिख रहा है ऑयल, बट ये जला हुआ नहीं है। उसको पकाया तो उसका कलर ऐसा हो रहा है। तो हमने इसको पहले ना अच्छे से मिक्स कर लिया आटे में, सॉरी मैदा में, फिर उसको पानी से गूंदा ताकि वो अच्छे से पहले मिक्स हो जाए, उसके बाद हमने इसको नीड किया। तो ये हमारा डो बनने जा रहा है, हम उसको गूंद रहे हैं। अभी गूंद चुका है, थोड़ी देर रेस्ट पे रखने के बाद हमने इसको दोबारा नीड किया था, तो ये ऐसा दिख रहा है एकदम फाइनली नीडेड डो। और ये जो है ना, थोड़ी हार्ड की तरफ रखना, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम चॉप कर रहे हैं फिलिंग के लिए, ये हमारा चॉप्ड है सब सामान, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है, पहले हम इसको मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन हमें बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं चाहिए, बहुत रफली ग्राउंड जो चिकन चाहिए हमें। फिर हमने इसमें चिकन ऐड किया, ये मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हमने रोटियां बनानी है मोमोज़ के लिए, तो रोटियां जो होती हैं हमें छोटी छोटी रोटियां चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने पहले एक पतली लंबी डो बनाई, फिर हमने उसके छोटे छोटे पीसेस कट किए, फिर उसके बाद हमने उनकी छोटी छोटी रोटियां बनाई, फिर उसके बाद हमने उनको फिल किया, पैक किया मोमोज़ की, उनको शेप दे दी। तो एक छोटा एक तरीका होता है, आसान तरीका, जिससे वो मैदा थोड़ा अच्छे से मतलब रोल हो जाता है ना, होता नहीं है वो थोड़ा स्टबन होता है ना मैदा, आटा तो नहीं होता है पर मैदा होता है, तो इसलिए उसके लिए उसको पहले ऐसे करके रखो तो अच्छे से हो जाता है। तो हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पैकिंग हो रही है, मोमो बन रहा है। तो आप कोई भी शेप दे सकते हो जो आपको चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो तो आ जाता है। और फिर जो स्टीम के लिए जो ये प्लेट होती है ना, ग्रीस कर, इसको थोड़ा ग्रीस कर लें पहले, तो चिपकेंगे नहीं मोमोज आपके उस पर। और बाबा चेक करते रहो आप उसको, तो 15 मिनट लगते हैं एक बार एक बैच पूरा अच्छे से पकने में। और फिर अब हम चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए टमाटर जो है उसकी हमने स्किन उतारने के लिए उसको पहले बॉईल किया है मिर्चों के साथ, और फिर स्किन उतार के हम उसको ब्लेंड कर लेंगे, सारा पेस्ट बना लेंगे। फिर जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से कैरमलाइज करना है, जब वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने ये टमाटो और चिली का पेस्ट इसमें ऐड करना है, और अदर इंग्रेडिएंट्स भी तब उसमें हम ऐड करेंगे। और फिर उसको जब तक कुक करेंगे, जब तक उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए, ठीक है, तो थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, चटनी बहुत पतली नहीं अच्छी लगती है। और अब हम इसको कुक कर रहे हैं, कुक करके फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे, जितनी हमारी कंसिस्टेंसी है उस जब ये उस लेवल तक चली जाएगी। तो मोमोज़ किसको पसंद नहीं होते, मोमोज़ तो सबको पसंद होते हैं। और फिर बाहर में थोड़ा ये होता है ना कि हम अपने घर में बनाएं तो हाइजीनिक वे में हम उसको बना सकते हैं, और हमें पता होता है हमने क्या क्या चीज़ डालनी है इसमें। तो ऑब्वियसली बाहर का इतना हाइजीनिक नहीं होता, आप चाहे कहीं भी खा लो, ये चीज़ जितना आप घर में बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारी बन गई है, तो कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।